अभी क्रिसमस आ रहा है तो मैंने क्रिसमस के लिए ये ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट किया है जिसमें आई मेकअप ग्रीन एंड रेड कलर का है। ये बहुत ब्यूटीफुल सा मेकअप है। आप अगर क्रिसमस पे किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आप इस लुक को जरूर क्रिएट करें, ये सभी को बहुत पसंद आएगा, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, मैंने अपने फेस पे भी कुछ भी नहीं लगाया है। मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए ये मामा अर्थ का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। ये फेस प्राइमर का भी काम करेगा। मैं इसको अपने पूरे फेस पे इवनली स्प्रेड करूँगी, अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी, देन मैं अपने नेक पर भी अप्लाई करूँगी। एंड मैं भी यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की बेबी क्रीम। ये बेबी क्रीम बहुत अच्छी है, ये लाइट फाउंडेशन का काम करती है, इसमें SPF 30 PA++ है। अगर आप इसे डे टाइम में यूज़ कर रहे हैं तो ये सनस्क्रीन का भी काम करती है। देन मैं इस क्रीम को डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस एंड नेक पर अप्लाई कर लूँगी। नेक पर आपको ज़रूर अप्लाई करना है। देन मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूंगी पूरे फेस पे इवनली। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको अपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से अप्लाई हो जाती है। एंड ये बीबी क्रीम आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है। एंड ये बहुत अच्छा कवरेज देती है। अगर आप नाइट में कहीं पार्टी में जा रहे हैं तब भी इसको अप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना अच्छा खासा कवरेज दे रही है। एंड आप इस बीबी क्रीम को अपने नेक पे भी ज़रूर अप्लाई करें, या आप कोई मेकअप कर रहे हैं, आप फेस पे कुछ लगा रहे हो तो आप नेक पे भी अप्लाई करें। देन मैं अभी यूज़ कर रही हूँ लैक्मी का लूज फाउंडेशन, ये मैं ब्रश के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ बीबी क्रीम लगाने के बाद। ये आपको कोई भी लूज पाउडर, फेस पाउडर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। पूरे फेस के साथ साथ आपको अपनी पूरी नेक पे भी इसको इवनली अप्लाई करना है। देखिए अच्छे से अप्लाई हो गया है ये। देन मैं यूज़ कर रही हूँ ADS का आईब्रो पेंसिल। ये आईब्रो पेंसिल बहुत अच्छी है, ये आईब्रो को बिल्कुल भी फेक नहीं दिखाती है। अगर आप कोई पार्टी मेकअप कर रहे हैं या आप फुल फेस मेकअप कर रहे हैं तो आपको अपनी आईब्रो को फिल करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कितना अच्छा लुक आता है आईब्रो को फिल करने के बाद। देन मैं ये आई शैडो पैलेट को यूज़ कर रही हूँ आई मेकअप के लिए, मैं अपनी फिंगर से ही अप्लाई करूँगी इसको। अच्छे से पहले मैं फिंगर से अप्लाई करूँगी, देन मैं ब्रश का यूज़ करूँगी। ब्रश से प्रोडक्ट को लेके मैं जो भी उंगली से अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाया है उसे मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड करूँगी, देन ब्लेंड करूँगी इवनली। आपको अपनी क्रीज एरिया पे अच्छे से प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। अभी ये सिमर शेड को आपको अपने क्रीज एरिया तक ही रखना है। देखिए मैंने अपनी दोनों आईज पे इसको अप्लाई कर लिया है। देन मैं वही आई शैडो पैलेट का यूज़ करूँगी, ये लाइट कलर जिसमें से पिक करूँगी मैं। एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव करके आउटर कॉर्नर पर टैप करके आपको अपनी क्रीज एरिया के ऊपर से इसको ब्लेंड करना है। देन मैंने पहले सिमर से अभी मैंने लाइट कलर लिया है, ये मैट कलर है। देन मैं दोनों कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी एजेस ना रहे। देन मैं दोनों आईज में अच्छे से उस मैट कलर को अप्लाई कर लूँगी। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद देखिए कितना प्यारा लग रहा है।
एंड मैं अभी ये लाइट कलर पिक करूँगी सेम पैलेट से, एंड जो भी कलर एक्स्ट्रा निकला हुआ है ब्रश से इधर उधर हो गया था तो उसको ये लाइट कलर से सेट कर लूँगी। दोनों आईज में मैं अच्छे से सेट कर लूँगी इस कलर को। देन मैं अभी लैक्मी का ये आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं विंग बनाऊंगी। आपको आई शेडो लगाने के बाद आईलाइनर को थोड़ा आराम से, मतलब सावधानी से यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो जाता है तो पूरा आई मेकअप ख़राब हो जाता है ना। आपको आराम से इसको अप्लाई करना है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप फटाफट से कर सकते हैं। देन मैंने देखिए दोनों आईज में आईलाइनर को अप्लाई कर लिया है। अभी मैं ये मस्कारा यूज़ करूँगी। अगर आप यहाँ पर फॉल्स आईलैशेस लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं लगाए हुए हैं। इसको आप अच्छे से अप्लाई करिए, आप एंड लोअर एंड अपर आईलिड्स दोनों में। देन मैं अभी इस पैलेट के यूज़ करके इसमें ग्रीन कलर का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये क्रिसमस मेकअप लुक है तो थोड़ा ड्रामेटिक लुक बनाने के लिए ये मैं ग्रीन कलर का यूज़ किया है मैंने। ये आपको आराम से अप्लाई करना है ताकि ये फैल ना जाए, लाइक जैसा स्मोकी लुक क्रिएट करते हैं। स्मस करना है आपको इसे। एंड देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने इसको अपनी दोनों आईज में अप्लाई कर लिया है। देन मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ब्लश। आपको थोड़ा लाइट ब्लश इसमें यूज़ करना है एंड अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। देन सेम पैलेट का यूज़ करके मैं अभी ये डार्क ब्राउन कलर यूज़ करूँगी फॉर कॉन्टोरिंग। अगर आपका चबी फेस है तो ही आप कॉन्टोरिंग करें, आपका स्लिम फेस है तो आप ना करें। मैं जॉ लाइन को अच्छे से कॉन्टोर कर रही हूँ। देन मैं अपनी फोर हेड को कॉन्टोर कर रही हूँ। एंड अभी मैं हाइलाइटर का यूज कर रही हूँ। देन मैं अभी लिपस्टिक के लिए यूज़ करूँगी ये किस प्रूफ का मैट लिपस्टिक। ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है। इसका कलर ये बहुत प्यारा है। ये देखिए मैंने अप्लाई कर लिया। दिस इज़ माय फाइनल लुक। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये मेकअप। पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।